बैक टू माई चैनल, मैं हूँ अनुराधा सिंह और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये वाला लुक जो कि अभी मैं तैयार हुई और आज वट सावित्री पूजा है सो उसके लिए मैंने ये मेरा ये लुक है और ये मैं क्रिएट करने वाली हूँ, तो आप ये वीडियो जो है एंड तक देखें सो दैट आपको पता चले मैंने क्या क्या अप्लाई किया है और कैसे मैंने ये लुक क्रिएट किया है। सो मैंने आज बीच में मांग करके आज मैंने पूरा सिंदूर भी डाला है क्योंकि आज पूजा है और मुझे बिल्कुल चाहिए था कि एकदम अच्छे से बिल्कुल वो मैरिड वाला जो लुक होता है वो आना चाहिए, तो मैंने ये आई डोंट नो आप लोगों के साइड से क्या बोलते हैं, हमारे साइड से लहठी बोलते हैं, लठ, बहुत लोग लठ बोलते हैं, बहुत लोग लहठी बोलते हैं, बहुत लोग चूड़ा भी बोलते हैं। सो हम लोग मैंने ये पहना है और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है देखने में, तो ये है मेरा पूरा लुक और मैंने रेड बिंदी भी लगाया है। सो ये है पूरा लुक, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि मैंने कैसे ये लुक क्रिएट किया है। बहुत ही सिंपल और बहुत ही ज़्यादा मैंने कुछ नहीं लगाया है, नॉर्मल है ये, जो कि आप आराम से कर सकते हो, बहुत ही अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स भी हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं अपनी स्किन को प्रेप करूँगी जिसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ अब कलर बार का प्राइमर, ये ऑयली स्किन के लिए है और इससे जो है आपके फेस में जो भी आपके लार्ज पोर्स हैं, ओपन पोर्स बहुत ज़्यादा हैं, उसको ब्लर कर देता है और आपके आपका जो मेकअप होगा वो बहुत ज़्यादा फ्लॉलेस होगा ये लगाने के बाद। सो ये वाला प्राइमर जो है बहुत ही अमेजिंग प्राइमर है और ये मैं कुछ टाइम से यूज़ कर रही हूँ। मैंने पहले कलर बार का भी प्राइमर यूज़ किया है बट दूसरा वाला जो एक वाइट कलर का आता है वाइट कलर के ट्यूब में, और ये वाला जो है ये क्यूकम्बर वाला है और वाटरी है। सो आपके फेस के जो भी ब्लर्स हैं, अगर आपका टेक्सचर जो है वो स्मूथ नहीं है उसको ये स्मूथ करेगा और आपका फेस बहुत ही एक फ्लॉलेस बेस दे देगा। अब यहाँ पर मैं अच्छे से प्राइमर को ब्लेंड कर रही हूँ अपने फेस पर और टैप करके मैं उसे सो दैट वो इजीली जो है एब्जॉर्ब हो जाए मेरी स्किन में, और अच्छे से आपको टैप करना है और 2 मिनट तक इसे छोड़ना है। सो मैं यहाँ पर थोड़ा सा टाइम दे रही हूँ प्राइमर के लिए क्योंकि प्राइमर को थोड़ी देर के लिए छोड़ना चाहिए, उसके बाद आप कुछ अप्लाई करोगे तो इजीली अप्लाई होगा। नेक्स्ट जो है ये है सनस्क्रीन मैं यूज़ कर रही हूँ जो कि लैक्मे सन एक्सपर्ट का है, इससे 97% यूवी रेज को ये स्टॉप करता है। और अभी मुझे क्योंकि बाहर जाना है पूजा के लिए सो मैं यहाँ पे सनस्क्रीन अप्लाई कर रही हूँ और ये बहुत ही अमेजिंग सनस्क्रीन है, लैक्मे का सनस्क्रीन मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ और मैंने अपने बहुत सारे वीडियोस में भी बता रखा है कि मुझे लैक्मे के सनस्क्रीन कितने ज़्यादा पसंद है। सो ये मैं अप्लाई कर रही हूँ अपने नेक और फेस पे, बहुत अच्छे से अप्लाई करूँगी और ज़्यादा अमाउंट में मैंने इसलिए लिया है क्योंकि मुझे बाहर जाना है और मैं नहीं चाहती हूँ कि ज़रा भी मेरे फेस पे टैनिंग हो जाए। सो मैं यहाँ पर अच्छे से लगा रही हूँ और आप देख सकते हो एक अच्छा सा ग्लो आ गया मेरे फेस पर और बहुत ही फेस इंस्टेंट जो है, आप जब भी सनस्क्रीन ये वाला लगाओगे आपका फेस बहुत अच्छा ग्लो करेगा। सो ये वाला सनस्क्रीन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, जो माउथ का एरिया है उसके अराउंड भी मैं लगाती हूँ सो दैट वहाँ पे ब्लैक्स आना लगे। अब यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ कलर बार का फाउंडेशन और ये वाला फाउंडेशन मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि इसमें अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि मेरी स्किन को और ज़्यादा अच्छा बनाएगा। सो मैं ये वाला फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ, आपकी मर्ज़ी है आप कोई और फाउंडेशन भी यूज़ कर सकते हो अगर आपको ऐसा मेकअप क्रिएट करना है, बट मुझे ये वाला फाउंडेशन पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि मेरी स्किन ऑयली है और बहुत ज़्यादा आज बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी भी हो रखी है, बहुत गर्मी है यहाँ दिल्ली में और अभी मुझे बाहर जाना है सो ह्यूमिडिटी में मेरे फेस से जो भी मैं मेकअप लगाती हूँ वो बाहर निकल आता है, बट ये वाला जो फाउंडेशन है इसलिए मैंने मेन पर्पस मेरा यही था फाउंडेशन ख़रीदने का क्योंकि ये बहुत ही अच्छा है और बाहर जाने पर ये
आपके बहुत ज़्यादा स्वेटिंग आपके फेस पे नहीं होगा। और यहाँ पर मैं मिक्स कर रही हूँ कलर बार का इल्यूमिनेटिंग लोशन, सो दैट ये एक अच्छा सा ग्लो दे मेरे फेस पर। और इसे मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ हैंड में, एंड देन मैं अपने फेस पर इसे अप्लाई कर रही हूँ। सो मैं फाउंडेशन और ये जो मिला करके मैंने यूज़ किया इल्यूमिनेटिंग लोशन, मैं बहुत ज़्यादा, आप देख रहे हो बहुत ज़्यादा मैंने क्वांटिटी नहीं लिया है, क्योंकि मैं अपने फेस को बहुत ज़्यादा केकी नहीं बनाना चाहती हूँ। हो सकता है कि कैमरा में लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं फाउंडेशन, बहुत ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं, आई डोंट नो वो कैसे मतलब ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा केकी हो जाता है फेस। सो मैं बहुत ही थोड़े से अमाउंट में यूज़ करती हूँ फाउंडेशन, और अच्छे से मैं ब्लेंड करूँगी यहाँ पर और नेक पे भी लगाऊँगी, सो दैट एक इवन स्किन टोन लगे, बहुत अनइवन सा फेस और नेक ना लगे। तो मैं यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर ब्लेंड कर रही हूँ, और ये वाला जो ब्रश है वो बहुत ही अच्छा ब्रश है, आप जो स्पॉन्ज आता है उससे भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं ये वाला ब्रश यूज़ करती हूँ क्योंकि इससे अच्छे से फाउंडेशन जो है ब्लेंड हो जाता है और एक फ्लॉलेस सा मेकअप लगता है देखने के बाद। और ब्लेंडिंग इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप अच्छे से ब्लेंड करोगे तो आपका फेस अच्छा लगेगा। इसलिए थोड़ा सा टाइम लेकर के अपने फेस पर हमेशा ब्लेंड करो जो भी आपका मेकअप है, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगे कोई बात नहीं, बट आपका फेस केकी ना नहीं लगना चाहिए, वरना वो बहुत ही बुरा सा दिखने लगता है केकी फेस जब लगता है। सो अच्छे से मैं यहाँ अप्लाई कर रही हूँ, मैं अच्छा टाइम लेती हूँ ब्लेंडिंग में, कोई हड़बड़ी नहीं करती हूँ मैं ब्लेंडिंग में, क्योंकि मैं चाहती हूँ अगर जब मैं तैयार हो रही हूँ तो अच्छे से तैयार हूँ। तो ये अच्छे से मैं अब ब्लेंड कर रही हूँ। सो आप यहाँ पर देख रहे हो, ऐसा नहीं है कि मेरा फेस बिल्कुल अलग हो गया है, मैं नॉर्मल मेकअप लगाती हूँ। और ये जो है नेक्स्ट मेरा ट्रांसलूसेंट पाउडर लगा रही हूँ, जो कि कलर बार ब्रांड का है, और सो दैट मेरे को मेरे फेस पे थोड़ा सा एक मैट लुक दे और जो भी मेरा मेकअप है वो अच्छे से सेट हो जाए। तो इस ब्रश की हेल्प से मैं अच्छे से लगा रही हूँ, और इसमें कोई कलर नहीं है, ये वाइट कलर का पाउडर है, और अच्छे से ये आपके फेस पे जो भी ऑयलीनेस अगर होगा उसको हटाता है और आपका फेस अच्छे से ये सेट कर देगा, और फेस भी देखने में बहुत ज़्यादा ब्राइट लगेगा। सो नेक के एरिया में भी मैं अप्लाई कर रही हूँ अच्छे से, और जो भी मेरा जो फाउंडेशन है वो भी इसमें से अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा, जो भी थोड़ा भी बचा हुआ है वो अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा इसमें से। तो मैं अच्छे से यहाँ पे ब्लेंड कर रही हूँ, ब्लेंडिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है गाइस, सो मैं ब्लेंड अच्छे से करती हूँ। और नेक्स्ट ये जो है ये है कलर बार का ब्लश है, बहुत ही अच्छा ब्लश है, बहुत अच्छा सा बहुत प्यारा सा शेड है ये, और ये वाला मेक ब्लश का ब्रश यूज़ कर रही हूँ मैं, और आप शेड देख सकते हो, इसका शेड जो है बहुत ही प्यारा शेड है, बहुत ही अमेजिंग है। सो मैं बहुत ही थोड़े अमाउंट में लगाऊंगी, क्योंकि थोड़े अमाउंट में चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती है और आपके फेस को भी अच्छे से इन्हांस करता है। तो मैं बस अपने फीचर्स को और अपने फेस को इन्हांस करना चाहती हूँ, मैं अपने आप को बिल्कुल भी बदलना नहीं चाहती कि मैं मेकअप लगाने के बाद कुछ और मेकअप लगाने के बाद कुछ और हो गई, ये चीज़ मुझे नहीं अच्छी लगती, सो मैं बस इन्हांस करूँगी। अब नेक्स्ट जो है आईब्रो को मैं थोड़ा सा फिल करूँगी, और ये वाला आईब्रो पेंसिल यूज़ कर रही हूँ मैं, पैलेट यूज़ कर रही हूँ जिसमें 3 कलर है, तो ये अच्छे से मेरे आईब्रोज को फिल कर देगा। और मैंने घर पे ही इस बार अपने आईब्रोज को शेप दिया है, क्योंकि अभी हम लोग बाहर नहीं जा सकते हैं और मैं अभी बाहर जाना अवॉइड ही कर रही हूँ, तो मैंने घर पे ही किया है। तो आप मेरी आईब्रोज को देख सकते हो कितने अच्छे से मैंने शेप दे दिया है घर पे, और मैंने फर्स्ट टाइम ये किया था और अच्छा शेप हो गया। उसके बाद जो है मैं लगाऊंगी आई शेडो, जो कि है फेसेस सॉरी हाइलाइटर, जो कि है फेसेस कैनेडा का, और मैं नोज़ पे थोड़ा सा लगाऊंगी, और उसके अलावा मैं हैंड से ही मैं लगाती हूँ, इसके अलावा मैं अपने लिप्स के ऊपर भी थोड़ा सा लगाऊंगी, एंड देन अपने चिन पे लगाऊंगी, सो दैट एक हाई पॉइंट्स जो होते हैं उस पर अच्छा सा ग्लो आए और फेस थोड़ा सा ब्राइट लगे। सो मैंने अपने चिन पे भी अप्लाई कर लिया है, और देन हाई बोन्स जो होते हैं फेस के अराउंड आईज के नीचे जस्ट, सो वहाँ पर मैं अब लगा रही हूँ।
और फेस ग्लो कर रहा है, आप देख रहे हो नोज़ कितना ज़्यादा ग्लो हो रहा है। अब मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ ब्लश, सॉरी ब्रॉन्ज़र, जो कि मैं थोड़ा सा शेप दे रही हूँ नीचे अपने चिन के अराउंड पूरा लगा रही हूँ, सो दैट एक अच्छा सा फेस का कट लगे और थोड़ा सा फेस फ्लैट ना लगे। इस वजह से मैं थोड़ा सा अपने ये ईयर वाले एरिया से लेकर के अपने फेस पर जा रही हूँ मैं, सो फेस फ्लैट ना लगे बिल्कुल भी। अब नेक्स्ट जो है आई शेडो मैं लगा रही हूँ, ये भी फेसेस कैनेडा का है और मैं बहुत ही लाइट शेड यूज़ करूँगी यहाँ पर, ये वाला शेड यूज़ कर रही हूँ। और क्योंकि दिन में मेकअप करना है तो मैं नहीं चाहती कि बहुत ही ज़्यादा ग्लिटरी लगे मेरा फेस, सो मैं बहुत ही न्यूट सा लगा रही हूँ आई शेडो, क्योंकि मुझे रेड कलर का लिप कलर लगाना है। सो जब मैं रेड लिप कलर लगाती हूँ तो मैं नॉर्मल आई का मेकअप रखती हूँ। और यहाँ पर लाइनर जो है यूज़ कर रही हूँ मैं लैक्मे इंस्टा लाइनर, जो मैं मोस्टली यूज़ करती हूँ और बहुत ही ईजिली ये लग जाता है फेस आईज़ पे और एक अच्छा सा लुक भी देता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है मैं काजल लगा रही हूँ, ओर ब्रांड का है और काजल अच्छे से मैं लगाऊंगी आज। मुझे काजल, हालांकि मैं बहुत कम लगाती हूँ, बट मुझे आज काजल लगाने का बहुत मन कर रहा था, सो मैं काजल भी लगा रही हूँ एक प्रॉपर इंडियन ट्रेडिशनल लुक के लिए। बहुत ही अच्छा लगता है उस टाइम में काजल, तो ये वाला काजल मैं लगा रही हूँ और लाइट से लगाऊंगी, बहुत ही ज़्यादा एकदम डार्क नहीं करूँगी। सो ये वाला काजल लगा लिया मैंने। अब इसके बाद ये जो है मैक का लिप कलर है और बहुत ही प्यारा सा शेड है, ये बहुत ही अमेजिंग शेड है, रूबी वू शेड का नेम है और बहुत लोग पसंद करते हैं इस शेड को और बहुत ज़्यादा आप इसका रिव्यू भी देखोगे, बहुत ही अच्छा रिव्यू है और इंस्टेंट आपके फेस को ब्राइट कर देता है, आपको कुछ करने की ज़रूरत एक्स्ट्रा नहीं होगी। सो मैंने इसलिए अपने फेस को लाइट रखा क्योंकि मुझे लिप कलर डार्क करना था, सो मैंने इसलिए ये लिप कलर लगाया। अब नेक्स्ट जो है बिंदी लगा रही हूँ, बिंदी से फेस बहुत ही प्यारा लगता है और आपके इंडियन लुक को ये कंप्लीट करता है बिंदी। सो यहाँ पर मैं बिंदी ये वाला मैंने लगाया है रेड कलर की बिंदी। उसके बाद जो है बिंदी के बाद मैं झुमका भी पहनने वाली हूँ, तो ये वाला झुमका रेड कलर का है, बहुत ही प्यारा सा है झुमका, तो ये वाला मैं झुमका, अरे होल नहीं मिल रहा है मुझे, मिल जा कहाँ गया, मिल गया। तो ये अब मैं झुमका लगा रही हूँ। उसके बाद जो है दूसरे वाले कान में भी झुमका मैं पहनूंगी और ये आप देखो कितना प्यारा सा झुमका है ना, ये कुंदन का झुमका है, बहुत ही अमेजिंग झुमका है ये सॉरी और बहुत ही अच्छा है ये झुमका, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, ये एक बहुत हैवी लुक देता है, मुझे झुमका बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरे पास बहुत अलग अलग तरह के झुमके हैं और मुझे झुमका मैं हमेशा पहनती हूँ, मैं गले में कुछ पहनूँ या ना पहनूँ बट झुमका मुझे चाहिए इंडियन लुक में। सो ये झुमका मैंने लगा लिया और यहाँ पर मेरा लुक हो गया कंप्लीट। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और हेल्पफुल लगी हो तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और आज अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दें, सो दैट जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए और आप फटाफट से मेरी वीडियो देख लो। तो ये लुक कंप्लीट हो गया और आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो। फिर से मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, अपने हेल्थ का भी ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का भी ख्याल रखिए। बाय।